जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है मैं पहले सोचता था कि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं मगर ये अपना काम कर रहा है आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं जो हम उनको जो उनका इमेजिनेशन है जो हमें देना चाहिए हम दे ही नहीं रहे तो अगर आप सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं कितने 108 दिन हो गए 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है और हर बच्चे से मैंने पूछा है तुम यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ पांच जवाब मिले मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं बट पर 99.9 परसेंट लोग कह रहे हैं मैं लॉयर डॉक्टर इंजीनियर आई जज मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास पांच काम है और रियलिटी यह है रियलिटी सच्चाई है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते डॉक्टर नहीं बन सकते लॉयर नहीं बन सकते तो ये झूठ है तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं मैं पूछता हूं बच्चे आते हैं कहते हैं क्या करना चाहते हो आईएस अच्छा आईएस में कितने लोग जाते हैं हर साल आप अंदाज अंदाजा लगाइए जवाब क्या मिलता है मैं पूछता हूं कितने लोग आए इसमें हर साल जाते हैं बच्चे क्या कहते हैं क्या लगता है अच्छा आप बताइए कितने लोग जाते हैं आए इसमें ढाई सौ बच्चे कहते हैं पांच लाख छह लाख एक लाख दो लाख तीन लाख जब मैं उनको कहता हूं भाई एक सौ पचास जाते हैं दो तीन को मैंने गलती से कह दिया एक लड़की को कह दिया वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सर सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं तो पहली पहला काम जो एजुकेशन सिस्टम है और ये टॉप डाउन ये ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है ये एजुकेशन को खोलता नहीं है तो सबसे सबसे बड़ा काम और ये शायद दो तीन चार साल में नहीं होगा मगर डायरेक्शन ये होना चाहिए और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है तो पहली ये बात है दूसरी बात ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए फर्क है ये ये जो देश है जो प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन करता है जो जिसके पास स्किल है चाहे वो किसान हो चाहे वो मैकेनिक हो चाहे वो बड़े ही हो मोची हो नाई हो जो भी हो जिसके पास स्किल है सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं और दूसरी बात उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और उसको मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको मार मार के मार मार के उससे निकाल देते हैं और बिना स्किल के रिस्पेक्ट किए ये देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है सिंपल बात है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद